हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज घर का काम अब शुरू किया है मैंने। और मेरी मम्मी आई है जो उनके गर्म पानी हो रहा है और ठंडे पानी से नहीं नहाती, उनको ठंड लगती है सुबह सुबह। और बाकी का ये मेरा किचन है जो अभी गंदा हो रहा है। अभी काम चालू अभी किया मैंने, साफ सफाई वगैरह अब कर रही हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि किचन गंदा हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अब मैंने काम चालू किया है, घर का साफ सफाई वगैरह अब करूँगी और बाकी का सारा काम अभी कर रही हूँ। धीरे 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 हो रहा है। ये रहा मेरा किचन। अभी मैं जा रही हूँ भगवान के दर्शन करने और भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। अभी वो पीछे मेरा घर दिख रहा होगा आपको, पूरे खेत वगैरह है। अभी निकली हूँ मैं नहा के रेडी होके, क्योंकि मेरे घर के जस्ट पास में ही मंदिर है, तो उनका भगवान के जल चढ़ाते रहे। अच्छा भी लगता है सुबह सुबह मंदिर जाना। धूप तो इतनी तेज़ हो जाती है सुबह सुबह। अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा है पर बहुत तेज़ धूप है। और मैं आ चुकी हूँ भगवान के मंदिर में। ये देखिए, ये रहा भगवान का मंदिर। छोटा है, हमारे जस्ट घर के सामने बिल्कुल छोटा सा मंदिर है भगवान का। और अब मैं भगवान के पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में। ये रहा हमारे भोलेनाथ का मंदिर, छोटा सा मंदिर है हमारे जस्ट घर के पास में। ये भगवान के मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये भगवान है हमारे भोलेनाथ। बैठी हुई हूँ भगवान के मंदिर में, क्योंकि घर का काम सब फ्री हो चुका है मेरे, तो मैंने कहा चलो भगवान के दर्शन भी कर लेती हूँ। तो भगवान के मंदिर में आई हुई हूँ मैं, बैठी हूँ अभी। अच्छा लग रहा है मंदिर में बैठना, क्या करूँ, अकेले हूँ। घर पे भी जाऊँगी तो क्या करूँगी, बैठी ही रहूँगी वहाँ पे भी। तो मैंने कहा थोड़ी देर भगवान के मंदिर में बैठती हूँ। ये रहे मेरे भगवान। अच्छा लग रहा है मंदिर में बैठना मेरे को। क्या करूँ, थक चुकी हूँ मैं अब दुनिया से लड़ते लड़ते, क्योंकि दुनिया में अब लोग जीने भी नहीं देंगे। मैंने मेरे हस्बैंड की 1 महीना तक कंटिन्यू हॉस्पिटल में इतनी सेवा की, सब कुछ किया, फिर भी मेरे ससुराल वाले मेरे लिए बोलते हैं लोगों को कि इसने कुछ नहीं किया। पर भगवान तो जानता है ना, मैं मंदिर में बैठ के झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन ये बोलती हूँ कि किसी को बदनाम मत करो, कुछ भी हासिल नहीं होगा आप लोगों को मुझे बदनाम करके। और मैं भगवान के मंदिर में बैठ के झूठ नहीं बोल रही थी, और भगवान के पास बैठ के कोई भी झूठ नहीं बोलता है, आप लोगों को भी मालूम है। और आपको जो करना है करो, मेरे को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये भी मुझे पता है। क्योंकि बहुत तकलीफ़ दे दी आप लोगों ने मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, बहुत तकलीफें हो चुकी है। अब नहीं, अब रहने दो, आप ही रखो उस घर को और आप ही रहो आराम से। और जब किस्मत में लिखा हुआ होगा तो हम लोगों को मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैंने तो भगवान के भरोसे और मेरी किस्मत पे छोड़ दिया है कि आप लोगों को जो करना है करो, बदनाम करो, आपको देना है नहीं देना है आपको, और आपके रखना है तो आप रखो। आप बार बार बोलते हो मैं पुलिस केस कर दूंगा तेरे पे, तो आपको ये चीज़ भी अगर आपको अच्छी लगती है कि भाई मेरे भाई की बेटे भाई के पत्नी पर केस करके आपको अच्छा लगेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं और मेरा बच्चा जेल में भी बैठ जाएंगे, और आपको जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब। क्योंकि भगवान ने जो इतनी प्यारी चीज़ थी मेरे लिए, सब कुछ थे, वही चीज़ चली गई मेरी ज़िंदगी से, तो अब ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। और आप, मेरे को भी पता है कि आप उनके दुश्मन ही बन के रहे हो हमेशा, आपके भाई के ही आप दुश्मन थे। तो मैं और मेरा बेटा तो बहुत दूर है, ये भी मुझे पता है। और कभी आप हमारा साथ आपने दिया ही नहीं है, तो अब हम लोग आपसे क्या उम्मीद रखें।
और आपको छोटे भाई का हक खा के, उनके बच्चे का हक खा के अगर आपको खुशी मिलती है तो आप करिए, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपने हम लोगों को रोड पे बिठाया है तो कोई बात नहीं, आपने हमको रोड पे बिठाया है तो मेरा भगवान हमको रोड से उठाएगा भी सही वापस, ये भी मुझे पता है कि आप अन्याय करोगे लेकिन भगवान मेरे साथ में और मेरे बच्चे के साथ में अन्याय नहीं करेगा, ये भी मुझे पता है, क्योंकि जिनका हक उसको मिलके ही रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं खा के दुनिया में जिंदा रह लूँगा या मैं खुशियाँ मना लूँगा तो कोई बात नहीं, आप आराम से खाइए, खुशियाँ मनाइए, कोई बात नहीं। बाकी मेरा बच्चे का जो चीज़ थी वो आप नहीं देना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, मत दी, पर बस मेरे बारे में झूठ किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर आपके मिलने वाले हैं तो वो मेरे भी मिलने वाले हैं। अब किसी के सामने झूठ बोलोगे तो लोगों को तो पता है ना कि मैं वहाँ रही नहीं रही हॉस्पिटल में, सबको ही पता है, और फिर भी आप मेरे बारे में झूठ बोल रहे हो तो ये गलत बात है। ऐसे लोगों को कौन समझाए, कोई नहीं समझा सकता ऐसे लोगों को, और क्यों करते हैं ऐसे लोग, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं, बहुत परेशान करके रख दें हम लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, मेरी वीडियो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिएगा। फ्रेंड्स अभी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, और आप लोगों को भी पता है कि अकेली औरत के लिए ये संघर्ष करना, क्योंकि एक बच्चे के लिए हक के लिए लड़ना भी बहुत मुश्किल काम है, आप लोग साथ दीजिए मेरा, बाकी तो मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तो होके ही रहेगा। प्लीज़ थैंक यू।